मीडिया बिडिंग कंप्लीट हो गई है, 5.6 बिलियन डॉलर्स, नाला बहुत बड़ा अमाउंट। आई मीन अगले 5 साल के लिए आईपीएल के जो मीडिया राइट्स हैं, इंडियन क्रिकेट बोर्ड की पावर डबल हो गई है डॉलर टर्म्स में। लेकिन अफसोस अब ये होता है कि यार पाकिस्तान इज वन कंट्री व्हिच हैज नाउ आई मीन बिकम टोटली इस मामले में आइसोलेट हो गया, इन द सेंस कि आईपीएल का उनको कोई फायदा नहीं हो रहा। हमारे पाकिस्तानी 2.5 करोड़ का एक ओवर होगा आईपीएल में, समझ नहीं आ रहा मुझे। ये तो कह रहे थे आईसीसी वाले टेस्ट क्रिकेट को खतरा है, बायलैटरल्स को खतरा है। बेयर स्टोनों ने कहा जी मैं बड़ा फॉर्चुनेट हूं कि मैं दुनिया की इतनी जबरदस्त लीग में खेलता हूं जहां बहुत जबरदस्त प्लेयर है और उनके साथ खेलने से सीखने को मिलता है और इसी से आप जो है अपनी गेम को इंप्रूव करते हैं। उन्होंने आईपीएल की सीधी सीधी बात की है, मुमकिन ही होनी तो किसी होनी है वो दुनिया है ही उनके साथ, सबसे बड़ी उनकी मार्केट, सबसे बड़ी है, कितनी बड़ी मार्केट है उनकी। तो इंटरनेशनल क्रिकेट जो है टोटली रुक जाएगी, अब इंटरनेशनल क्रिकेट इस तरह से रुक जाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आईएनएन न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों कंगाली के कगार पर पहुंचने वाले पाकिस्तान के एक बैट्समैन जिनका नाम शाहिद अफरीदी है, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, जो कि कश्मीर के ऊपर और कश्मीर आजादी के ऊपर काफी बयान देते रहते, उनको अब बड़ा सदमा लगा है। सदमा इसलिए लगा है क्योंकि जो मीडिया राइट्स आईपीएल के बेचे गए हैं उसको देखते हुए पाकिस्तान में काफी इन सब चीजों पे डिबेट हो रहा है। दोस्तों अगर बात की जाए पाकिस्तानी रुपीज के अंदर, तो आईपीएल का एक ओवर जो है वो पाकिस्तानी 25 करोड़ रुपये में होगा। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जो पाकिस्तानी हैं जिनके पास की आज एक एक डॉलर के लिए मांगते फिर रहे हैं, उनको जब ये सब चीज पता चलता है तो फिर उनको तो लगता ही बड़ा झटका लगता ही है। दोस्तों शाहिद अफरीदी का ये भी कहना है कि जो पाकिस्तानी हैं वो कल का सोचते हैं, आने वाले दिनों का नहीं सोचते हैं, यानी कि जो पाकिस्तानी हैं वो बस खुद का सोचते हैं। और इसीलिए पाकिस्तान का ये हाल हो गया है कि आज पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के पास इतने पैसे ही नहीं है कि वो अपने प्लेयरों को पैसे दे, और इन सब चीज़ों में भी काफ़ी कटौती देखने को मिली है। और दोस्तों जिस प्रकार से पाकिस्तान में अभी अर्थव्यवस्था जो है वो नीचे की तरफ गई है, पाकिस्तान के पास आज पैसे नहीं है, पाकिस्तान डिफॉल्ट के कगार पर पहुँच गया है, उसको देखते हुए जो भी पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं उनका भी शर्म से जो सर है वो झुक जाता है। लेकिन शाहिद अफरीदी का इन सब चीज़ों पर कहना ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि भारत की जो ताकत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो चलिए पहले वीडियो में आकर बढ़ते हैं, देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया और इन सब चीजों पे क्या बात कर रहा है। आईपीएल जिस मीडिया राइट्स जिन पैसों में बिका है, एक तो बीसीसीआई को शाबाशी ये देनी पड़ेगी कि बीसीसीआई ने इस दफा बड़ी अक्लमंदी का काम ये किया कि उन्होंने जो टेलीविजन राइट्स थे इंडिया के वो अलग बेचे हैं, और जो ऑनलाइन राइट्स है, स्ट्रीमिंग राइट्स, डिजिटल राइट जो आप कहते हैं इंडिया के लिए, वो अलग बेचे। और आप सोचिए कि ये दोनों राइट्स की जो है इन दोनों राइट्स की सेल्स ही तकरीबन उन्होंने कोई 6.2 बिलियन डॉलर्स की उनको इनकम हुई है। इसके अलावा जो उन्होंने अलग चीज़ें बेची वो एक अलग बात है, लेकिन ये मेन 6.2 बिलियन डॉलर्स की इनको जो इनकम हुई है, विच इज़ फार मोर देन वॉट दे गॉट लास्ट टाइम। अब ये जो साइकिल है आईपीएल का 2023 से 2027 तक, इसमें पर जो आईपीएल का मैच होने जा रहा है, अब आप सोचेंगे कोई 100 करोड़ के करीब या 100 करोड़ से ऊपर का एक मैच जो है उसकी वैल्यू लगी है बीसीसीआई कमा गया इससे पर मैच से। तो आई मीन इट्स अमेजिंग द सॉर्ट ऑफ मनी दैट हैज कम इनटू द आईपीएल। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि एट द सेम टाइम थोड़ा सा अफसोस भी होता है, यार साफ सीधी बात है, इसलिए अफसोस होता है कि इतना पैसा आईपीएल में जब आया है तो यू कैन एक्सपेक्ट कीजिए आईपीएल में जो है अब जो प्लेयर्स ऑप्शन होंगे, जो प्लेयर्स को लिया जाएगा, मैचेस भी बढ़ाए जा रहे हैं तो प्लेयर्स भी ज़्यादा आएंगे, हो सकता है आगे चलकर टीमें भी शायद बढ़े। लेकिन अफसोस अब ये होता है कि यार पाकिस्तान इज वन कंट्री विच हैज़ नाउ आई मीन बिकम टोटली इस मामले में आइसोलेट हो गया, इस सेंस कि आईपीएल का उनको कोई फायदा नहीं हो रहा। ठीक है हमारे पास पीएसएल होता है, बहुत अच्छी लीग है, जबरदस्त लीग है, बट नाउ आफ्टर दीज डील्स लाइक यू नो द पीएसएल डजंट कम क्लोज टू आईपीएल इन टर्म्स ऑफ मनी, नो साफ सीधी बात है। तो अफसोस है थोड़ा सा कि पाकिस्तानी और फिर हमारे प्लेयर्स, या सीधी बात है आई मीन आई एम प्रीटी श्योर विदाउट मतलब कोई ऐसी उनको मैं फेवरेटिज्म की बात नहीं कर रहा, लेकिन आई मीन प्लेयर्स लाइक बाबर आजम, शाहीन, रिजवान, शादाब एंड ऑल दीज गाइज वुड बी हारिस रूफ एंड ऑल दीज गाइज वुड डेफिनेटली बी आई मीन दे वुड बी बिग टेकर्स फॉर देम इन द आईपीएल इफ दे वर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द प्लेयर ऑक्शन। आई होप कि यार देखो अगले आईपीएल से पहले या उसके बाद आईपीएल में कोई मामला ठीक हो दोनों मुल्कों के दरमियान तो कोई चांस मिले। लेकिन इसके अलावा भी जो है असर पड़ेगा पाकिस्तान क्रिकेट पर भी पड़ेगा और इंटरनेशनल क्रिकेट पर भी पड़ेगा, क्योंकि जय शाह ने साफ सीधे कह दिया भाई कि मतलब अब हम जो है जो आईसीसी की मीटिंग होगी, हमने ऑलरेडी बोर्ड से बात की है, कुछ बोर्ड से बात की है, आईसीसी से बात की है, और हमारा यह है कि भाई 2.5 महीने तक का हमें विंडो चाहिए आईपीएल कराने का, क्योंकि मैचेस भी वो बढ़ा रहे हैं अगले साल से।
तो इंटरनेशनल क्रिकेट जो है टोटली रुक जाएगी। अब इंटरनेशनल क्रिकेट इस तरह से रुक जाएगी कि सिर्फ वो कंट्री जिनके प्लेयर्स नहीं है आईपीएल में, जो कि ऐसा होता नहीं है, सबके प्लेयर्स होते हैं तकरीबन, वो जो है फारिग होंगे। बाकी वो अगर आपस में किसी तरह खेल ले तो खेल ले, जिसमें पाकिस्तान भी है, वरना बाकी सब आईपीएल में बिजी होंगे। अब वैसे भी इतनी लीग्स होने जा रही है, एमिरेट्स की ये जो लीग शुरू हो रही है, फिर पीएसएल, आई मीन इट्स गोइंग टू बी द फर्स्ट सिक्स मंथ्स ऑफ ईयर टू मी विल बी पैक्ड। समझ लें आपके दिसंबर से जो बिग बैश शुरू हुआ सिलसिला, तो वो आपका जून समझे जून तक जो है टी ट्वेंटी क्रिकेट फ्रेंचाइज क्रिकेट डोमिनेट करेगी। तो पासिंग क्रिकेट पर असर पड़ने वाला है इसका, इसलिए क्योंकि अगर प्लेयर्स बड़े अवेलेबल नहीं होंगे इस पीरियड में जब आईपीएल हो रहा है ढाई महीने, तो फिर इट्स गोइंग टू इफेक्ट इंटरनेशनल क्रिकेट। और पाकिस्तान अगर इस दौरान कोई चीज़ कराना चाहता है, जैसे होता है पीएसएल तो कराएगा नहीं वो, लेकिन अगर कोई और चीज़ करना चाहता है, इंटरनेशनल कमिटमेंट्स अपने पूरे करना चाहता है, दैट मीन्स देयर आर गोइंग टू गेट द बेस्ट प्लेयर्स, इट्स एज सिंपल एज दैट। इसलिए क्योंकि अब आईपीएल में जितना पैसा आ गया, अब कौन सा प्लेयर मना करेगा यार खेलने से, मुझे बता दो कौन सा प्लेयर मना करेगा खेलने से, कोई प्लेयर नहीं मना करना। और अब तो यार दुनिया में आप सोचे यार कि मतलब स्ट्रीमिंग राइट जब एक रिलायंस इंडस्ट्रीज ले रही है इतने पैसों पे, 3 बिलियन कुछ डॉलर्स पे उन्होंने ली है, तो यू कैन इमेजिन द इम्पैक्ट द आईपीएल विल हैव व्हेन इट्स बीइंग हेल्ड। सो पाकिस्तान क्रिकेट डेफिनेटली असर पड़ेगा कोई, लेकिन यह कि वॉट मनी है, कोई सोच नहीं सकता था कि आईपीएल इस वक्त जो है इट्स बिकम द वर्ल्ड सेकेंड रिचेस्ट मतलब स्पोर्ट्स ब्रांड आफ्टर आफ्टर यूएसए जो एनएफएल होता है, नेशनल फुटबॉल लीग की होती है। जी हम पाकिस्तानी हैं, हम लॉन्ग टर्म नहीं सोचते, हम कल परसों का सोचते हैं, ठीक है। हम गोरे होते तो 15-20 साल का सोचते हैं, हम गोरे नहीं, मगर ठीक है ना? लाला ये अब जो है ना, अब ये पॉइंट ऑफ व्यू इसलिए मैंने आपसे पूछा बिकॉज ठीक है ये हम देखते थे इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ये सब करते थे, मगर अभी जो रिसेंटली इंडिया ने किया साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया जो कि सीरीज जारी है, उसमें अपनी बेंच को उतार दिया, जो जो सारे आईपीएल के चर्चे थे और सारे परफॉर्मर्स थे उनको उतार दिया। दो टी20 की जरूर शिकस्त हुई, मगर अपना लूजिंग कॉम्बिनेशन भी नहीं बदला, उन्हीं लड़कों को खिलाते रहे, इवेंचुअली तीसरा टी20 कल जीतने में कामयाब हो गए और अभी तक सीरीज अलाइव है जो कि 5 मैचेस की सीरीज है। तो आपको ये लगता है जिस प्रोसेस से राहुल द्रविड़ इस वक्त लेकर चल रहे हैं टीम इंडिया को, क्या हमें भी अपनी बेंच के लिए इस तरह सोचना चाहिए? अब क्या टाइम आ गया है कि हमें ये थॉट प्रोसेस बदलना चाहिए कि लॉन्ग टर्म नहीं? मुझे एक बात बताएं आप जी, हमारे पास ये 15-16 लड़कियों के अलावा और कौन है? क्या हम उन्हीं पुराने लड़कों को फिर दोबारा लेके आएंगे? आपके पास ये 15 से हमारे सिलेक्शन कमेटी के पास 18 लड़के होने चाहिए, 18 लड़के। दोस्तों जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि इस वीडियो में आईपीएल के जो राइट मीडिया राइट्स हैं उसके ऊपर बात हो रही थी, और जिस प्रकार से आईपीएल के मीडिया राइट्स जो बेचे गए हैं उसको देखते हुए पूरी दुनिया में इन सब चीज़ों पे डिबेट हो रहा है कि आखिरकार इंडिया में जो क्रिकेट है और ख़ास करके जो आईपीएल है वो इतना पॉपुलर क्यों हो गया कि आज मीडिया राइट्स इतने अरबों अरबों रुपये के बेचे जा रहे हैं, और इसीलिए पाकिस्तान में इन सब चीज़ों के ऊपर काफ़ी डिबेट चल रही है। दोस्तों शाहिद अफरीदी का इस तरीके से बयान आना, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि जो भारत का ताकत है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। दोस्तों आपको पता होगा कि शाहिद अफरीदी जो है वो इंडिया पे तनकीद करने और कश्मीर पर बयान देने के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता रहता है, और लगातार इंडियन जो लोग हैं उनका वो टारगेट भी बनता है, क्योंकि वो बहुत सारे ऐसे बयान दे चुका है कश्मीर के ऊपर जो कि दिखाता है कि वो कैसे इमरान खान की तरफ आने वाले दिनों में वो भी प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है। और इसीलिए शाहिद अफरीदी का ये मानना कि भारत जो है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुका है, ये दिखाता है कि हाँ वास्तव में भारत ताकतवर हो चुका है, क्योंकि जो आदमी भारत की तनकीद किया करता था आज वो भारत की तारीफ कर रहा है, क्योंकि भारत इतना ताकतवर जो है वो हो चुका है। चाहे वो अब बात की जाए किसी भी क्षेत्र में, तो भारत जो है वो बहुत तेज़ी से ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही, आई थिंक कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल INL न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक लिए देखते रहिए INL न्यूज़।